और शहादत की ज्योति पर सियासत की ज्वाला भड़क गई है। बस अब से थोड़ी देर में इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय समर स्मारक में जल रही ज्योति में विलीन कर दिया जाएगा। इस समय दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ सियासत हो रही है राष्ट्रीय समर स्मारक में जब अमर जवान की ज्योति को विलीन कर दिया जाएगा। सब विपक्ष ने सरकार के इस कदम पर हमला बोला है, इसे देश का इतिहास बदलने वाला कदम बताया है। सरकार का कहना है कि 1971 की जंग के शहीदों को यही असल श्रद्धांजलि है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के सेंट्रल विस्टा पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की एक बड़ी प्रतिमा लगाने का ऐलान कर दिया है। जब तक असल ग्रेनाइट की मूर्ति का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक नेताजी की एक होलोग्राम मूर्ति वहां पर स्थापित रहेगी। नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। No controversy. There are some people who don't have better things to do. You would rather have you would rather have it under the tutelage of a colonial this thing, or would you rather have it under your own this thing? So, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि उन्होंने मैंने बहुत समय पहले राहुल गांधी जी के कमेंट्स को सीरियसली लेना बंद कर दिया, बहुत देर पहले। वही राहुल गांधी जी हैं जो कहते थे बच्चों मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है, वही राहुल गांधी जी उस और कई किस्म की बातें करते हैं। तो देखिए, आपके पास जब न्यूज नहीं होती तो आप राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट्स को ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी जिनको कमेंट करना है उसे करने, अभी हमें काम करने दीजिए। मशाल बुझाई जा रही है, मशाल को मर्ज किया जा रहा है। मृत्युंजय तिवारी जी, आपने सुना केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को, वो ये कह रहे हैं मशाल को मर्ज किया जा रहा है। सभी वीरों के नाम 1947 से आज तक सभी वीरों के नाम इंगित है राष्ट्रीय समर स्मारक में। केवल कोरी राजनीति करने की साजिश का आरोप है। ये सीधे तस्वीरें इस समय हम आपको इंडिया गेट अमर जवान से दिखा रहे हैं। एयर मार्शल बलभद्र राधा कृष्ण, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, वो ये जो औपचारिक सेरेमनी है, ये समारोह जो है, ये जो ज्वाला है अमर जवान की, 26 जनवरी 1972 से निरंतर प्रज्वलित है ये ज्वाला। अब इस ज्वाला को राष्ट्रीय समर स्मारक में विलीन किया जाएगा। यह जो स्मारक आपके सामने है, इंडिया गेट का निर्माण अंग्रेजों ने कराया था। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो जवान प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान वॉर में शहीद हुए थे उनके नाम इसमें इंगित हैं। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को दोफाड़ कर दिया था। जब भारत ने पाकिस्तान को दोफाड़ किया और बांग्लादेश का जन्म हुआ, उसमें जिन वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया उनके सम्मान में यह अमर जवान की स्थापना हुई।